हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए बहुत ही क्रिस्पी, करारे, मज़ेदार से और बहुत ही डिलीशियस चिकन के पकोड़े बनाने की रेसिपी लेकर आए। ये क्रिस्पी करारे से चिकन के पकोड़े बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही यमी लगते हैं खाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन के पकोड़े बनाना और देख लेते हैं कि इन क्रिस्पी करारे डिलीशियस से चिकन के पकौड़ों को हमने किस तरीके से बना के तैयार किया। तो क्रिस्पी फ्राई चिकन पकौड़ा बनाने के लिए एक हमने बाउल ले लिया, इसमें डाल देंगे चिकन। बोनलेस चिकन हमने लिया है, बिल्कुल छोटे छोटे इस तरीके से इसके पीसेस कट कर लिए हैं। 400 ग्राम हमारा चिकन है, बोनलेस है ये, और छोटे छोटे पीसेस में कटा हुआ। इसे धुल लिया, धुल के अच्छे से हमने साफ कर लिया है। 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें नींबू का रस, 1 टेबल स्पून डालेंगे इसमें दही, 1 टी स्पून नमक, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1/2 टी स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टी स्पून गार्लिक पेस्ट, 1/2 टी स्पून जिंजर पेस्ट, 1 टी स्पून भर के डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स या कुटी लाल मिर्च, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टी स्पून जीरा पाउडर, 1/2 टी स्पून काली मिर्चों का पाउडर। अब इन सारे मसालों के साथ चिकन को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो चिकन में सारे मसाले देखिए अच्छी तरीके से मिल गए। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट मैरिनेशन के लिए रखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर भी इसे आप 2 घंटे तो ज़रूर मैरिनेट कीजिए। तो चलिए आपसे मिलते हैं 2 घंटे के बाद। और ये हमने ले लिया 2 मीडियम साइज़ के आलू, इसे ग्रेटर के मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लेंगे। इनका छिलका उतार दिया है, पानी में रखा ताकि आलू काले ना होने पाए। तो आइए इसे ग्रेट कर लेते हैं ग्रेटर के मोटे वाले साइड से। तो आलूओं को ग्रेटर के मोटे वाले साइड से हमने ग्रेट कर लिया, और देखिए इस तरीके से इसके लच्छे निकाल लिए हैं। तो देखिए इस तरीके से, ना तो आलू बहुत महीन काटा हमने और ना ही बिल्कुल बारीक, इस तरीके से इसके मोटे मोटे लच्छे निकाल लिए हैं। ये देखिए, अब 2-3 पानी से धो लेंगे ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा स्टार्च है सब निकल जाए और पानी बिल्कुल साफ हो जाए। तो आइए आलूओं को धो लेते हैं। आलूओं को देखिए 3-4 पानी से धो लिया, पानी इसका एकदम साफ हो गया, सारा स्टार्च निकल गया। और आइए आलूओं को छान लेते हैं, एक छन्नी में इसे निकाल लेते हैं। तो ग्रेट किए आलू को हमने छन्नी में निकाल लिया और दबा दबा के इसका सारा पानी निकाल दिया है। आलू देखिए बिल्कुल ड्राई हो गए, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। हाथ से इसको स्क्वीज करने में बिल्कुल भी इससे पानी नहीं निकल रहा है। 5 मिनट तक हमने इसी तरह छन्नी में छोड़ दिया ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी है सब निकल जाए। तो सारा पानी इसका निकल गया है। और अभी ले लेंगे अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। सारे ग्रेट किए हुए आलूओं को डाल देंगे चिकन में। 2 हरी मिर्चें ले ली हैं बिल्कुल बारीक कटी हुई, ये भी इसी में डाल देंगे। 2 टेबल स्पून भर के ले लिया ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, इसको भी डाल देंगे इसी में। 2 टी स्पून हमने ले लिया सफ़ेद तेल, डाल देंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तेल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो इससे पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। 6 टेबल स्पून हमने ले लिया है बेसन, ये 3/4 कप है हमारा, डाल देंगे। और 2 टेबल स्पून डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लोर, और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। बहुत ही क्रिस्पी, करारे, बहुत ही मज़ेदार से चिकन के पकौड़े बन के तैयार होते हैं। इस तरीके से मिक्स करना है कि चिकन में, आलू के लच्छों में सारे मसाले, बेसन अच्छे से कोट हो जाए। पकौड़े के मिक्सचर को अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया है। आलू, चिकन, मसाले, बेसन सब अच्छी तरीके से आपस में लिपट गए हैं। अब इसे हम रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट लेने के लिए, और तब तक अपने ऑयल को चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए। बस हमें इतनी देर से रखना है रेस्ट लेने के लिए जितनी देर में हमारा तेल गर्म होता है। तो आइए ऑयल चढ़ा देते हैं गर्म होने के लिए, और चिकन को रख देते हैं रेस्ट लेने के लिए। तो ऑयल चढ़ा दिया हमने गर्म होने के लिए, मीडियम हॉट पे ऑयल हमारा गर्म हो गया है और चिकन भी हमारा मैरिनेट हो चुका है। तो चिकन के बैटर को एक एक पीस हाथ में लेते जाएंगे, और जो भी मिक्सचर है इसे लपेटते हुए चिकन के एक एक पीस को ऑयल में ड्रॉप करते जाएंगे। तो चिकन के पीसेस को हमें इस तरीके से लेना है कि जो हमने इसमें आलूओं का बैटर बनाया है, बेसन का बैटर बनाया है, वो सब आपस में अच्छे से मिक्स होके पकौड़ों की शक्ल में तैयार होता जाए। चिकन के एक एक पीस को हमें ड्रॉप करते जाना ऑयल में, और पकौड़ों को हमें हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करना है, गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए पकौड़ों को हमें फ्राई करना है। तो ये चिकन के पकौड़े हमारे बिल्कुल क्रिस्पी पॉपकॉर्न की शक्ल में बन के तैयार होंगे। कढ़ाई में हमने पकौड़े डाल दिए, अब इन्हें 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं, इसी तरीके से इन्हें पड़ा रहने देंगे। जब ये अपनी शेप ले लेंगे तब इन्हें पलटेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे पकौड़ों को हमें फ्राई कर लेना है। तो 10-11 मिनट हो गए चिकन को फ्राई होते हुए, पलट देंगे इन्हें। और दूसरे साइड से भी 10-12 मिनट के लिए चिकन को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे चिकन के पकौड़ों को बिल्कुल भी फ्राई मत कीजिएगा, इन चिकन के क्रिस्पी पकौड़ों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कीजिएगा। अगर आप इन्हें हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बाहर से तो ये पक जाएंगे, क्रिस्पी हो जाएंगे, लेकिन अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा। तो मीडियम फ्लेम पर रखते हुए चिकन के पकौड़ों को उलटते पलटते हुए 10 से 12 मिनट एक साइड से और 10 से 12 मिनट दूसरे साइड से फ्राई कर लेंगे। तो ये पकौड़े हमारे फ्राई हो गए। पकौड़ों को फ्राई करने में 20 से 22 मिनट लगा है,
मीडियम फ्लेम पे हमने पकौड़ों को फ्राई किया ताकि चिकन भी हमारा आसानी से अच्छी तरीके से गल जाए। अभी हमारी क्रिस्पी करारे चिकन के पकौड़े बन के तैयार हैं, फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेंगे। पकौड़ों को ऑयल में से निकाल लेंगे और जाली में रख देंगे ताकि जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है सब निकल जाए। तो ये लीजिए, मज़ेदार से हमारे क्रिस्पी करारे चिकन के पकौड़े बन के तैयार हैं। आइए इन्हें प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी का जो बचा हुआ बैच है उसको भी फ्राई कर लेते हैं। देखिए कितने क्रिस्पी करारे से पकौड़े बन के तैयार हुए, कितनी करारी आवाज़ आ रही पकौड़ों में से। इन्हें साइड में रख देते हैं और बाकी के पकौड़े भी फ्राई कर लेते हैं। तो पकौड़ों का सेकेंड बैच भी इन्हें डाल दिए और आइए इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए गैस की फ्लेम को हमने मीडियम रखा है, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखा है, मीडियम फ्लेम पर ही हमें पकौड़ों को फ्राई करना है। तो ये सारे चिकन के पकौड़े हमारे फ्राई हो गए, इन्हें हमने प्लेट में निकाल लिया और आपको दिखाते हैं कि चिकन अंदर से भी कितना अच्छी तरीके से गल गया है। देखिए कितना क्रिस्पी करारे पकौड़े बने और चिकन भी अंदर से पूरा बेहतरीन तरीके से गला हुआ है। देखिए अच्छी तरीके से चिकन गला है, बिल्कुल रेशा रेशा एकदम अलग है। आइए अपने चिकन के पकौड़ों को सर्व कर लेते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।